आरोप यदि किसी प्रकार का कोई लगाता है तो उस आरोप की जांच हो जाएगी। आरोप का क्या है? आरोप की जांच होगी, ये आप कैसे कह सकते हैं? यदि मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई आरोप लगाता हूँ तो जब तक उस आरोप का फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक क्या उनको प्रधानमंत्री के पद से आप हटा देंगे? तो हम क्या, अगर कोई आरोप 5 साल तक 10 साल तक लगाता रहेगा तो हमारे खेल विभाग के अधिकारी नहीं आएंगे? कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं आप? कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? और कोई कम उम्र के कोचेस, बड़ी उम्र के कोचेस, कोई सवाल रह गया हो तो पूछ लो। अपनी फाइनल बैठक कर ली है और 14 नवंबर के आसपास हमारी तैयारी है कि हम ग्रामीण खेलों को कराएं। ग्रामीण खेल देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राजस्थान विभाग का ये जो एक स्टेप है वो दुनिया में अद्भुत होने वाला है, क्योंकि पहला ऐसा आयोजन होगा जिसमें गांव में से लाखों लोग पार्टिसिपेशन करेंगे। कई तो देश ऐसे होते हैं जिनकी आबादी ही उतनी नहीं होती जितना हमारे इसमें आयोजन में पार्टिसिपेशन होने वाला है। राजस्थान में 11,341 पंचायतें हैं और 44,795 रेवेन्यू विलेजेस हैं। हम ये टारगेट कर रहे हैं कि ग्रामीण खेलों के अंदर सभी रेवेन्यू विलेज तक की टीमें बने, पार्टिसिपेशन हो और ऑर्गेनाइजेशन हो। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में, राजस्थान के कोने कोने में खेलों का वातावरण बने और खेलों का वातावरण बनने के बाद में खेलों के माध्यम से एक हिट और फिट राजस्थान बने, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और उन्होंने एक नारा दिया था फिट राजस्थान हिट राजस्थान का, तो ग्रामीण खेलों के माध्यम से हम उस नारे को अचीव करने की ओर अग्रसर हैं। आज हमारी फाइनल मीटिंग हो चुकी है, बहुत जल्दी ये शेप लेगा और आप लोगों के बीच में जैसे कि पूर्व में आप लोगों ने स्टेट गेम्स देखा वैसे ही आप लोग दुनिया का एक सबसे बड़ा आयोजन जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया होगा जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वैसा आयोजन आप राजस्थान खेल विभाग का देखने वाले। मैंने आपको बता दिया है, टैलेंट सर्च का हमारा प्रोग्राम अलग है, ये गांव-गांव तक खेलों को पहुंचाने का, खेलों का वातावरण डेवलप करने का, और जो ग्रामीण खेल हैं, जो खेल गांव के बच्चे खेल सकते हैं उन खेलों को प्रमोट करने का, ताकि वो खेल और ज़्यादा से ज़्यादा खेले जाएं और उन खेलों के माध्यम से खेलों का वातावरण राजस्थान में बने और एक हेल्दी सोसाइटी, फिट राजस्थान और हिट राजस्थान हम इस प्रदेश में बना पाए, मुख्य उद्देश्य यही है। नहीं, आप देखिए ये वो गेम हैं जो कि गांव के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि शूटिंग बॉल है, खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट में भी टेनिस बॉल्स, क्योंकि हर गांव में टेनिस बॉल से खेलने वाले क्रिकेटर मिल जाएंगे, लेकिन लेदर बॉल से खेलने वाले एक रेवेन्यू हर रेवेन्यू विलेज में मिल जाए ऐसा संभव नहीं। तो इसमें पूरी तरीके से केवल ग्रामीण खेलों को और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम है। किस तरह का आयोजन करिए? ये सबसे पहले इसमें ये 3 चरण का आयोजन होगा। सबसे पहले इसमें पंचायत लेवल पर आयोजन होगा जिसमें रेवेन्यू विलेजेस की टीम एक दूसरे को कॉम्पीट करेंगी। फिर ब्लॉक लेवल पर क्या होगा, जो हर पंचायत के ऊपर जिस गाँव की टीम जीती है वो टीम उस पंचायत के नाम से ब्लॉक लेवल पर खेलेगी और हर ब्लॉक की टीम जिला लेवल पर खेलकर फिर जिले की टीम प्रदेश लेवल पर खेलेगी। रेवेन्यू विलेज से लेकर प्रदेश तक का चैंपियन इसके अंदर बनेगा। नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर गांव के अंदर आप समझिए कि जो हेडक्वार्टर है, पंचायत हेडक्वार्टर है जहाँ ये आयोजन होंगे, वहाँ पर स्टेडियम तो खेल मैदान तो मिल ही जाता है। और ये खेल भी ऐसे हैं जिसमें कोई विशेष सुविधा नहीं चाहिए। कबड्डी है उसमें पाला मार कर दिया, चूना डाल दिया, कबड्डी का मैदान तैयार हो गया। शूटिंग बॉल है, केवल 2 पोल चाहिए, 1 नेट चाहिए, शूटिंग बॉल चालू हो गई। खो खो है, 2 डंडे गाड़ दिए, खो खो चालू हो गया। टेनिस बॉल क्रिकेट है, उसमें विकेट साफ किया, 4 डंडे गाड़े विकेट के। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष आधुनिक सुविधाओं वाला स्टेडियम नहीं चाहिए, सामान्य खेल मैदान के ऊपर भी ये सारे खेल हो सकते हैं। मैंने आपको बताया नवंबर के अंदर, हमारा अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर हम बहुत जल्दी आप लोगों को डेट्स दे देंगे।
नवंबर के अंदर हम इस आयोजन को बहुत जल्दी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार आज़ादी के बाद किसी भी आयोजन के लिए इतने बड़े बजट का प्रावधान हुआ। बजट के अंदर 30 करोड़ रुपए ग्रामीण खेलों के आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। मैं समस्त खेल विभाग की तरफ से, खेल प्रेमियों की तरफ से और ग्रामीण अंचल के वो बच्चे जो इन खेलों के माध्यम से मुख्य धारा से जुड़े हैं उनकी तरफ से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा बजट, मैं समझता हूँ राजस्थान में क्या पूरे देश में पहला कोई आयोजन होगा किसी भी प्रदेश का जिसके अंदर की इतना बड़ा बजट मिला होगा। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए आयोजन के अंदर प्रोबेबिलिटी तो 25 से 30 लाख बच्चों की, लेकिन मुझे लगता है कि कई गाँव में कुछ टीम्स नहीं मिलेंगी, कम से कम 15 से 20 लाख के बीच में कहीं आंकड़ा जाए। कुछ क्राइटेरिया रहे किस तरह से बच्चे सिलेक्ट? कोई क्राइटेरिया नहीं है, गांव वाले खुद अपनी टीम अपलोड करेंगे। रेवेन्यू विलेज की टीम है, इसमें कोई सिलेक्शन प्रोसेस तो हम चला नहीं सकते, वो गांव के लोग ही। हमारा एक ऐप हम लॉन्च करेंगे, उस ऐप के ऊपर एक टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर अपनी अपनी टीम जो है अपलोड कर देंगे। कोई एज नहीं, 12 साल का भी खेल सकता है, 50 साल का भी खेल सकता है, उस गांव का होना चाहिए। कितने खेलों को शामिल किया जाएगा? इसमें 6 गेम्स हैं, वॉलीबॉल है, शूटिंग बॉल है, हॉकी है, खो खो है, टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी और कबड्डी। सर आपने अभी कहा था कि अद्भुत रहेगा, अलग से रहेगा जी, क्या विशेष रहेगा, किस तरह से अद्भुत कह सकते हैं? देखिए पहली बात तो आज तक कोई ऐसा आयोजन नहीं हुआ होगा जो कि रेवेन्यू विलेज लेवल तक पहुंचा हो। मैं तो कह रहा हूँ पंचायत लेवल का अगर कोई आयोजन होगा तो आप मेरे को बता देना, जिला और ब्लॉक स्तर का तो हो जाता है लेकिन पंचायत और रेवेन्यू स्तर तक ये आयोजन होगा ये अपने आप में अद्भुत होगा। 11,500 पंचायतें हैं और 44,700 के आसपास रेवेन्यू विलेज है, 44,790 के आसपास टीमें जिसके अंदर एक आयोजन में पार्टिसिपेट करें, वो अद्भुत नहीं होगा तो क्या? और कई देशों की आबादी 15 से 20 लाख नहीं होती, इस आयोजन में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स की नंबर जो है वो 15 से 20 लाख होगी, ये अपने आप में अद्भुत होगा। कोविड का जो भी प्रोटोकॉल रहा प्रदेश और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस रही उन गाइडलाइंस की नियम की पालना करते हुए ही आयोजन। सर मेरा प्रश्न मुख्य खेल अधिकारी को लेकर के जो अभी नियुक्ति हुई है काफी विवाद हुए थे, आपके अर्जुन अवार्ड ने लेटर भी दिया है इस चीज को पूरे रद्द करने के लिए, आगे सीएम साहब तक भी बात गई है, उसके बावजूद भी नियुक्ति हो गई, क्या कहना चाहते हैं आपके नोटिस में क्या है? देखिए ये एक प्रक्रिया है, जिस पद की डिमांड होती है खेल विभाग उस डिमांड को क्रिएट करता है, उसके कुछ मापदंड होते हैं, वो मापदंड को जो पूरा करेगा कमेटी है, कमेटी ने डिसाइड करना है, हमारे फैसले से तो हुआ नहीं है, वो तो कमेटी है, सब बाहर के लोग हैं, उन लोगों ने आरोप, देखिए आरोप आरोप यदि किसी प्रकार का कोई लगाता है तो उस आरोप की जांच हो जाएगी, आरोप का क्या है, आरोप की जांच होगी, ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं आप मेरी बात को सुनिए, किसी पर भी दुनिया में आरोप लगा है, यदि मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई आरोप लगाता हूँ तो जब तक उस आरोप का फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक क्या उनको प्रधानमंत्री के पद से आप हटा देंगे क्या? तो हम क्या, अगर कोई आरोप 5 साल तक 10 साल तक लगाता रहेगा तो हमारे खेल विभाग में क्या अधिकारी नहीं आएंगे? कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता भैया, आरोप लगेगा उसकी जांच हो जाएगी, जो तथ्य वो सामने आ जाएंगे, लेकिन आप चाहते हो कि तब तक खेल विभाग में कोई अधिकारी काम ही नहीं करे। अगर मंत्री पर कोई आरोप लग गया तो क्या तब तक मंत्री के पद पर कोई बैठेगा नहीं क्या? लगा दीजिए आरोप जी, राजस्थान के अंदर ट्रेनिंग से रिलेटेड जितना भी काम खिलाड़ियों को ट्रेन करने से, चाहे वो ब्लॉक लेवल का है, पंचायत लेवल का है, जिला लेवल का है, प्रदेश लेवल का है, वो ट्रेनिंग से रिलेटेड जितना भी काम है वो राजस्थान के जिला खेल अधिकारियों के माध्यम से हो और उसमें पारदर्शिता हो, इसका ध्यान मुख्य खेल अधिकारी, जितने भी हमारे बैचेस जाते हैं, जैसे कि 4 साल बाद में ओलंपिक्स वापस होने वाले हैं, किन किन गेम्स के वर्ल्ड कप आने वाले हैं, किन किन गेम्स के एशियन गेम्स अगर आने वाला है, कॉमनवेल्थ के गेम्स अगर आने वाला है, तो उसमें कौन सी प्रतिभाएं हैं जो हमारे राजस्थान की हैं, उनको बैच बनाकर ट्रेनिंग
ट्रेनिंग, आप मेरे शब्द को सही समझें, उसमें शब्द ना मिलाएं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। ट्रेनिंग का मतलब बैच बनाना और बैच के बाद में उनको वो अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, इस टारगेट को अचीव कर पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए ये पोस्ट है। और आने वाले समय में राजस्थान को मेडल की तालिका में, चाहे वो खेलो इंडिया है, चाहे वो नेशनल गेम्स है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय गेम्स है, चाहे वो वर्ल्ड कप है, चाहे वो कॉमनवेल्थ है, चाहे एशियाड्स हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हैं, मेडल दिलाने में इस पद के अधिकारी की विशेष विशेष भूमिका रहेगी। और आप उसको देखेंगे, आज चाहे कोई सवाल उठा ले, जब रिजल्ट आएगा तो सबके सामने आएगा। सर, ये जो निर्माण से जुड़े काम है, वो भी लंबे समय से अटके, इसको लेकर किस तरह के कदम? निश्चित रूप से इसके ऊपर हमारी पीछे काफी मीटिंग्स हुई और पूर्व में इसमें ज्यादा ढिलाई बरती जा रही थी, लेकिन अब तेजी से, अब आप देखिए स्विमिंग पूल का पिछले 12 महीने में तकरीबन 80% काम हो गया, और ऑलमोस्ट ये बीच में कोविड आ जाता है तो लेबर भी चली जाती है, ठेकेदार भी भाग जाते हैं, फिर नई लेबर का रिक्रूटमेंट हो, हमने तो टेंडर दे दिया, लेकिन जिसको टेंडर दे दिया उसके नीचे लेबर अगर कोई बिहार की है, कोई बंगाल की है, लॉकडाउन लग गया, तो वो पिछली बार क्या दृश्य हुआ वो सबने देखा, हजारों किलोमीटर लोगों को चलना पड़ा, तो वो छोड़ छोड़ के वो समय से पहले भाग जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक बार चाहे गाइडलाइंस रिलीज भी हो गई, उसमें रिलैक्सेशन भी मिल गया, लेकिन उसके बावजूद वो देखते हैं कि जब तक सेफ वातावरण नहीं हो रहा है तब तक आते नहीं है। अभी प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, उनसे जूझ रहे हैं, वरना स्पीड हमने खींच रखी है। इन सब प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्दी हम पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। इलेक्ट्रॉनिक टारगेट का जो मामला है वो भी सर लंबे दिन के, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट का टेंडर तो हो चुका है, अब वो हमारे सेक्रेटरी साहब नहीं है, उनके समय में टेंडर हो चुका है। पूर्व में इसमें बैंक गारंटी को लेकर डिले हुआ था, और बैंक गारंटी लेकर जो, क्योंकि ये मेरे कार्यकाल से पहले का काम था, मैं बाद में बना, हम सभी उस समय के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि विभाग का काम है तो हमारी जिम्मेदारी है। बैंक गारंटी को लेकर जो डिले हुआ उसमें यूरोज की रेट में फ्लक्चुएशन हो गया, अब वो फ्लक्चुएटेड रेट का पैसा कौन भरेगा इसके ऊपर वो सारा विवाद हो गया और वो बहुत लंबा हो गया। इस बार हमने उसका टेंडर वापस निकाल लिया और वो जल्द से जल्द काम। देखिए आज हमने जिला खेल अधिकारियों की जो मीटिंग ली है उसमें वही सुझाव मांगे, हमने उनको फॉर्म दिया है, और वो किस किस स्टेडियम को रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, कहाँ स्ट्रक्चर सुधारने की ज़रूरत है, वो सारे अपने सुझाव लिखकर हमें देंगे, क्योंकि जिले में उनको ज़्यादा पता है। जैसे जैसे उनके सुझाव आएंगे उनके सुझाव के अनुसार हम वो सारे काम करेंगे। देखिए 64% पूरे राजस्थान में घोषणा पत्र की क्रियान्वति हो चुकी है, खेल विभाग में 80% क्रियान्वति हो चुकी है, बाकी 10-20% है वो भी हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, आउट ऑफ टर्न में कुछ खेलों का आपने संशोधन का आदेश भी दिया था, सिर्फ तकरा और ये कुछ गेम्स हैं जो आए थे, बच्चे मिले थे, आपने काफी था इनको खुशूर सर सड़की पे। देखिए हमारी कमेटी है जिनको फिर से हमने अमेंडमेंट के लिए, जो कोई पिछले एक्सपीरियंस के साथ में, कोई भी आदमी पहली बार कोई काम को करता है वो परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उससे कुछ सीख कर अगली बार क्या बदलाव करना है उसके ऊपर हमारी पूरी कमेटी है, काम कर रही है, एक मीटिंग हो चुकी है, और बहुत जल्दी नए सुझावों के साथ में हम फाइल को मूव करेंगे। इसके अंदर जो जूनियर मेडलिस्ट हैं, जो 16 से पहले के खिलाड़ी हैं, और इस प्रकार के अभी तक जो भी हमारी कमी बेसी, कौन से गेम्स जो रह गए हैं वो आने चाहिए, इन तीनों चारों को लेकर विस्तृत चर्चा हो रही है। कमेटी उसके ऊपर फैसला करकर प्रपोजल हमको फॉरवर्ड करेगी और बहुत जल्दी इस अमेंडमेंट का काम होगा, और इस बार जो होगा वो और बेहतर अमेंडमेंट होगा, उसमें जो हमने पिछली बार से जो एक्सपीरियंस लिया उससे हमारे को बहुत अच्छे आइडियाज आए और वो हम पूरे ही इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर, हमारे डिपार्टमेंट में कोचेस की बहुत कमी है, बिल्कुल। देखिए पहले तो कोचेस की मात्रा ही बहुत कम थी, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम शुरुआत के लिए सीधे 500 कोचेस की संख्या तो करी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और विभाग की जहाँ तक बढ़ती है, आज भी इसके ऊपर चर्चा हुई और निरंतर इसके ऊपर चर्चा होती रहती है। डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट बनाने की भी आज जो पूरे डिपार्टमेंट की मांग उठी है, ये प्रपोजल बनाकर हम इसको फॉरवर्ड करेंगे और
नीतिगत फैसला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि एक पूरा डिपार्टमेंट बनता है तो उसकी व्यवस्था पूरी बदल जाती है, उन्होंने लेना है। लेकिन हम पूरी तरीके से इंसिस्ट करेंगे कि ये एक डिपार्टमेंट बने और आने वाले समय में परमानेंट कोचेस में एक परमानेंट स्ट्रक्चर हो, और विभागों की तरह खेल विभाग एक परमानेंट विभाग बनकर राजस्थान के कोने कोने में ब्लॉक और पंचायत लेवल तक खेलों को पहुंचाने का काम। सर, डिजिटल होने पर भी ध्यान दिया जाएगा? जी, डिजिटल होने पर भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि आपने कहा था कि विभाग गांव के बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या और मतलब सुविधा? देखिए, हमने अभी तक आप देखिए कि जो भी अवार्ड विनर्स की जो प्राइज मनी होती थी वो हमने अब ऑनलाइन कर दी, ताकि कोई जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जब पैसा रिलीज होगा तो उनके अकाउंट में जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है उनका सीधा पैसा रिलीज हो जाएगा। नौकरी से रिलेटेड है, इसको हमने पहले ही दिन से, चाहे आउट ऑफ टर्न हो, इसको हमने पहले ही दिन से ऑनलाइन एप्लीकेशन पर रखा, ताकि कोई भी विभागों के धक्के किसी को खाने की जरूरत नहीं है। विभाग का काम है, प्रोसेस चल रहा है, कोई अभी तक जितनों ने ज्वाइनिंग करी किसी को भी किसी विभाग के धक्के खाने की जरूरत नहीं, उन्होंने केवल ऑनलाइन अप्लाई किया, उनका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हुआ, उनकी जो क्वालिफिकेशंस थी उससे हुआ, हमारे विभाग ने मेहनत करके मीटिंग्स करा करा के उनकी सबकी ज्वाइनिंग कराई। आप उनसे पूछ सकते हैं कि किसी डिपार्टमेंट को उनको धक्के, हमने उनको किसी भी दफ्तर के भरोसे नहीं छोड़ा, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और वही सब चीज़ों में हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी खेल विभाग पूर्ण तरीके से ऑनलाइन हो जाए, ताकि पारदर्शिता भी हो और लोगों को काम प्रायोरिटी बेसिस पर हो, किसी की भी के साथ में अन्याय नहीं। यही अगर बच्चे और नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं युवा, उनको सुविधा के लिए क्या किया जाएगा डिजिटल के तौर पे, जानकारी? नए खिलाड़ियों के लिए तो सब कुछ ही पूरा खेल विभाग ही, नए खिलाड़ियों के हमारी हज योजना, नए खिलाड़ियों के लिए हमारा हर स्टेडियम, नए खिलाड़ियों के लिए कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, स्पोर्ट्स पॉलिसी आने वाले समय में ये तय करेगी कि 20 साल बाद में खेलों का मामला राजस्थान में क्या होगा। निश्चित रूप से उसमें मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करी है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्पोर्ट्स पॉलिसी का काम हम ख़त्म करके बहुत जल्दी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसको मिल सकते। उसकी मीटिंग्स हो रही है, करा लेंगे, जल्दी करा लेंगे। उसमें बीच में एक बार ठेकेदार की प्रॉब्लम हो गई थी, वो ठीक है, विकास कर रहे हैं उसमें, पीछे सबके पड़ेंगे। फाइनेंस से भी चर्चा होगी खेल ग्राउंड के प्रति, तो हमारा जो यहाँ पे जो पैसा जो ऑलरेडी सैंक्शन है एज ए स्कूल भवन की तरह से फ्लो होगा, खेल भवन स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में काम करेगा। ये कि हम की कोई कमरे बना के किसी को आराम कराने के लिए नहीं देंगे, जो एक कोई रह गया हो, एक स्किल से जुड़ा हुआ है सर, 10 लाख युवाओं से सरकार स्किल को लेकर संवाद करेगी और हर पंचायत से हो जाए, फिर मैं आपके सामने जुड़ा हूँ। मिलियन माइंड्स हमारा प्रोग्राम का नाम है और ये हम करेंगे, मिलियन माइंड्स कॉन्क्लेव। और कोई कम उम्र के कोचेस, बड़ी उम्र के कोचेस, कोई सवाल रह गया हो तो पूछ लो, कैमरा चालू है, पूछ लो, किसी के मन में रह गया हो। हाँ जी जी, जनाब उनके बराबर क्वालिफिकेशन है किसी खिलाड़ी, इंटरनेशनल प्लेयर, उनकी रैंकिंग देखिए आप, उम्र से किसी का वो अंदाजा मत लगाना। एलेक्जेंडर जब 19 साल का 20 साल का था ना, तो उसने आधी दुनिया पे फतेह कर ली थी। कम उम्र के खिलाड़ियों को आप ये ना समझें कि कम उम्र के खिलाड़ियों के बस की नहीं होती, इंटरनेशनल उनकी रैंकिंग, इंडिया में बेस्ट रैंकिंग है उनकी,